ये मुझसे खूबसूरत भी कुछ है। 1 2 3 4 रख रहे होंगे। देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है और डिहाइड्रेशन की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज अपना पूरा पूरा ध्यान रखें। और आज का मेरा लुक टाटाड़ा। तो गाइस आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने कुछ समर और स्प्रिंग हॉल आप लोगों के लिए किया है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने अंदर से काफी मेहनत करके कुछ ऐसी ड्रेसेस निकाली है जो गर्मियों के हिसाब से बहुत सूटेबल है और व्हाइट इज ए कलर फॉर समर्स। तो आज मैंने वही ड्रेस पहनी है। अगर आप ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो आप भी ले लीजिए। ये अर्बैनिक से मैंने लिया है और अगर नहीं पहनते हैं तो इग्नोर कीजिए। सबसे पहले तो इस ड्रेस की खास बात आप लोगों को बता देती हूँ, मुझे इसमें क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। कलर है इसका, जो प्रिंट है वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है। बालों को कुछ इस तरीके से इसमें साथ में इस तरीके से बनाया है। आप लोग अक्सर कहते रहते हो कि तुम्हारे बाल कैसे है, मतलब बनाती क्यों नहीं हो, कॉम क्यों नहीं करती हो। ये एक अलग स्टोरी है। आप मुझे कर्ली बालों का कैसे मेंटेन करना होता है, उसका कैसे देखभाल करनी होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज फिलहाल मैं आपको समर ड्रेसेस के बारे में बता रही हूँ। तो ये एक मेरी फर्स्ट ड्रेस है जो मैं आज आपको कुछ सेलेक्टेड मेरी 5 ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ और व्हाइट कलर में होगी। मैंने स्पेशली व्हाइट कलर इसलिए चूज किया है क्योंकि गर्मियों में ना व्हाइट आंखों को बहुत अच्छा लगता है और व्हाइट से एक मुझे मेरा ऑल टाइम फेवरेट भी है क्योंकि व्हाइट एक सीरीन काम शांति को दर्शाता है, पीस राइट। ये फुल स्लीव्स है और ये इसकी पफ स्लीव्स है। मुझे एक्चुअली पफ स्लीव्स बहुत ज्यादा पसंद आती है। और दिस इज अ लुक। इसमें नीचे ये बहुत ही क्यूट सा स्कर्ट है फ्रिल वाला। और सो इसी अमन की आशा के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे लुक को बताएं, रेट करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा लुक आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। ये मेरा सेकंड लुक है, ये भी मैंने व्हाइट ही पहना है और आज मैं आपको सारे व्हाइट कलेक्शन के बारे में ही बता रही हूँ अपने। देखिए इसमें ना ये क्रोशे का टॉप है और स्कर्ट है, कॉर्ड सेट है। ये मुझे न्यू मी से मिला है, अभी रिसेंटली मैंने परचेज किया है। ये साइज है स्मॉल और इसके अंदर बहुत सारे साइजेस भी अवेलेबल हैं अगर आप लेना चाहें। देखिए व्हाइट कलर आप पहन के कहाँ जा सकती हैं, आप कॉफी डेट पे जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में कहीं पर जा सकते हैं, आप गेट टुगेदर में जा सकते हैं। कोई भी अगर जैसे इवनिंग पार्टीज वगैरह होती है तो आप समझ में क्या हो गया कि आपको व्हाइट कलर बहुत अच्छा भी लगता है और कॉटन का है तो बहुत कम्फर्टेबल भी रहेगा, बॉडी को भी सूट करेगा। तो ये मेरा आज का लुक है, आप बताएं कैसा लग रहा है। तो मैं ना हील्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो आपको जब भी आप देखेंगे मेरे कपड़ों के नीचे मैं ज़्यादातर हील्स ही पहनती हूँ। और फिलहाल बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि मैं शूट सारा बाहर कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको पता है राजस्थान में क्या हाल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप पानी की पूरी भर्ती रखें, मतलब अच्छे से डिहाइड्रेटेड रखें बॉडी को और सनस्क्रीन बहुत सारा लगाएं। ये है मेरा थर्ड चेंज और इसके अंदर मैंने पहने एक बहुत ही स्मार्ट कैजुअल्स। अगर आप फॉर्मल या ऑफिस वेयर या कोई ऐसी ऑफिस मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा स्टाइलिश भी दिखना है उसके साथ साथ में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म का टच भी उसमें होना चाहिए तो आप इस टाइप के कपड़े वेयर कर सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम ज़ारा और ये साइज़ है मीडियम। ये आपने मेरे पहले भी वीडियो में देखा होगा, इसे मैंने 2-3 बार वेयर किया है ऑलरेडी। साथ में हमेशा आप जो हील्स पहनते हैं हमेशा ध्यान रखें आगे से कवर वाली पहननी चाहिए क्योंकि उससे आप कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। और ये भी व्हाइट कलर में इसलिए है क्योंकि मैं आपको व्हाइट कलर का हॉल दिखा रही हूँ, समर ओरिएंटेड होने वाला है। यह मेरा फोर्थ लुक और आप लोगों ने मेरे व्हाइट ड्रेसेस हॉल कलेक्शन आप लोग देख रहे हैं और मैंने आपको सभी तरीके की ड्रेसेस दिखाई कि आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ में कॉफ़ी पीने जा रहे हैं या फिर आप फैमिली आउटिंग पे कहीं पे जा रहे हैं या फिर आप अपने ऑफिस की तरफ से किसी पार्टी में जा रहे हैं तो किस तरीके से व्हाइट कलर को आप स्टाइल कर सकते हैं। देखिए व्हाइट कलर वैसे होता भी बहुत डिसेंट है और सोबर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है राइट। तो जब आप व्हाइट पहनते हैं ना तो आप ध्यान रखिए कि आप उसके साथ में कोई भी एक्सेसरीज ज़्यादा ओवर ना करें क्योंकि मैंने सब कुछ बहुत ही म्यूट रखा है। अगर मैंने बालों को खुला छोड़ा है
मैंने जो अपनी हीट्स का कलर है वो भी क्रीम कलर का रखा है, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ आपको आंखें निकालती हुई या फिर ज़्यादा टेंशन खींचे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब कुछ बहुत ही म्यूट रखें, वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। स्किन कलर जो आपको ओरिजिनल है ना वो बाहर आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वाइट पे। और वाइट कलर वैसे भी सबका बहुत फेवरेट होता है, सब लोग पहनना पसंद करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा पहनती हूँ गर्मियों में। और सर्दियों में आप मेरे को अक्सर ब्लैक कलर में देखेंगे, तो ऐसा है कि मुझे जैसे सीजन चेंज होते हैं मुझे कलर की प्रेफरेंस भी मेरे लिए थोड़ी बदल जाती है। और ये जो ड्रेस पहनी है ये मैंने H&M से पहनी है एंड दिस इज इन मीडियम साइज। और इसके अंदर जो डिटेलिंग है वो यहाँ के बेल्ट जो इसका है बेस्ट पे जो नेट से क्रोशे का काम किया हुआ है वो है, और बीच में बटन है जो इसको और भी सोबर और क्लासी बना रहे हैं। और बहुत ही क्यूट लुक है इस ड्रेस का, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है इसका जो लुक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्लीवलेस है, अगर आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको ट्रक के साथ में वेयर कर सकते हैं वाइट कलर के। और मेरा एक जो स्टाइल का टिप है मैं आपको बता दूँ, मेरा फैशन टिप आज का ये है, देखिए आप कपड़े कुछ भी पहनते हैं ना हमेशा अपने बॉडी टाइप को ध्यान में रख के पहने। ज़रूरी नहीं है जैसे किसी की बॉडी पियर शेप की होती है, किसी की बॉडी कर्वी होती है, तो आप अपनी बॉडी को पहले एनालाइज करें कि आप किस तरीके की बॉडी स्ट्रक्चर में, उसके बाद में अपने गेटअप को फाइनलाइज करेंगे। और अब आज का फाइनल और लास्ट लुक मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसके बाद में इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट कलर आप कौन सा चाहते हैं कि मैं किस पे बनाऊँ, और आप जो भी कलर मुझे भी सजेस्ट करेंगे मैं उस कलर के सारे कपड़े जो मेरे घर पे हैं वो निकाल के आपको दिखाने वाली हूँ कि आप और उसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं, कौन से ओकेजन पे आप उसको पहन सकते हैं, मैं वो भी बताऊँगा। ए है कुछ बहुत ही ट्रेंडी सा, इसके नीचे यहाँ पे ये वाला वाइड लेग्स में इसका ये कॉर्डसेट है जो कि मैंने अरबानी से लिया था लास्ट ईयर आई थिंक बिफोर 6 months। तो इसमें ना ये वाइड लेग्स पजामा है और लाइनिंग का जो प्रिंट है ये बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही इन है, ये लाइनिंग वाला ये जो प्रिंट है। और इसमें ना इसकी खास बात है जब आप ऐसे प्रिंट्स की चीज़ें पहनते हैं ना तो आप हमेशा लंबे दिखाई देते हैं, आपकी हाइट से आप थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, और जब आप वैसी लाइन्स वाले कपड़े पहनते हैं तो आप थोड़े से शॉर्ट दिखाई देते हैं। तो अगर आपको लंबा दिखने कहीं पर तो इस तरीके की आप टाइट्स वाला चीज़ें पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत ही कंफर्टेबल है, कहीं पे भी आप जाते हैं कहीं और ही कैजुअल जगह पे कहीं पे भी आप कुछ लेने जा रहे हैं कुछ सामान घर का तो आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही ईजी रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, और ये कलर इतने प्रिटी हैं, ये कलर इतना प्रिटी है कि आप कभी भी पहनेंगे तो ये सूट करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कॉमेंट सेक्शन में जाके बताना है, और नेक्स्ट वीडियो आप चाह रहे हैं कि मैं किस कलर के ऊपर लेके आऊँ। जैसे आज का जो मेरा वीडियो था वो सिर्फ और सिर्फ समर और स्प्रिंग कलेक्शन हॉल मैंने दिखाया था, जो भी मेरे पास समर की ड्रेसेस थी जो मुझे लगा आज की काफ़ी इन है और मुझे दिखाना चाहिए वो मैंने दिखाया था। कलर मैंने वाइट इसलिए चूज़ किया क्योंकि वाइट समर्स में बहुत प्रेफरेबल होता है। और ये लास्ट ड्रेस है, इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। देखिए ये डिवाइडर ड्रेस है जो बहुत ही कम्फर्टेबल है, और आप गोवा या कहीं मुझे लगता है बीच, अब मुझे बीच गोवा घूमना पड़ेगा क्योंकि गोवा मुझे बड़ा बुला रहा है लग रहा है, तो मुझे एक बार जाना चाहिए और ये सब ड्रेसेस पहनने का मौका मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे भी पहन सकते हैं, गर्मियों के हिसाब से ड्रेसेस हैं, पहनना चाहे जहाँ पे भी पहन सकते हैं, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं आप वहाँ पे इस तरीके के ड्रेसेस पहन सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो वीडियो के पीछे का जो एसेंस है वो ये है, कपड़े कोई सुंदर नहीं होते, कपड़े पहनने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी पहने आप अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करें तो आप ब्यूटीफुल लगेंगे, राइट। तो ये है आज का मेरा फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट टिप। तो ये जो कलर है ये भी बहुत डिफरेंट कलर है, ये सी ग्रीन, ये पिकॉक कलर है एक्चुअली, ये भी बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही क्लासी ड्रेस है, ऐसे आप कहाँ पहन सकते हैं, आप किसी भी नाइट आउट करें या कोई पार्टी वार्टी कर दें तो आप पहन सकते हैं। और इसमें बैकलेस, इसका जो बैक का डिटेलिंग है वो इस तरीके का है, कैसा लगा है कॉमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं आपको इस ड्रेस से कैसे लग रही है वो भी आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। That's it for today. क्या करना है अगर वीडियो पसंद आया तो आपको अच्छे से पता है, आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को।